If object is placed at negative infinite to सेंटर, तब क्या होगा बताओ? इनफाइनाइट से सेंटर के बीच में मैंने अभी ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या होगा? सेंटर को बोल दो कितना डिस्टेंस होगा, माइनस टू एफ। तो अभी इमेज कहां पे बनेगा? बताओ, ये नोट कर लो पहले, फिर देखते हैं। सेंटर का डिस्टेंस है माइनस टू एफ, फोकस का डिस्टेंस है माइनस एफ। ठीक है, अभी माइनस इनफाइनाइट और माइनस टू एफ के बीच में, मतलब सेंटर के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं, तो यहां पे इमेज जो है इज फॉर्म बिटवीन माइनस एफ टू माइनस टू एफ। ठीक है, मतलब कहां पे? सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। और कैसी इमेज होगी वो? मिरर के लेफ्ट साइड में बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो रियल इमेज। यहां पे भी कौन सी इमेज होगी बताओ? अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो रियल इमेज, क्योंकि इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, मिरर के अपोजिट साइड में नहीं बन रही है। और क्या क्या होगा? मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव मैग्निफिकेशन होता है आपका लेस देन वन। ठीक है, तो आपको डिमिनिश, मतलब स्मॉल साइज की इमेज इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ठीक है, देखो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को माइनस इनफाइनाइट टू सेंटर में रखा, राइट, तो मेरा इमेज बन रहा है यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट को रखा मैंने, तो इमेज बन रहा है सेंटर टू फोकस के बीच में, कैसा? रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल साइज, मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है? लेस देन वन। ठीक है, हो गया। अब देखो, सेंटर पे मैं रखता हूं ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा? ये तो हमने देखा भी था, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर, तो बताओ इसकी इमेज कहां पे फॉर्म होगी? सेंटर पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, मतलब यू कितना हो गया? माइनस टू एफ। बताओ,
अगर ऑब्जेक्ट सेंटर में है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है? देखा था अपन ने पहले भी। सेंटर पे ही बनेगा, राइट? देखो यहाँ पे 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ लगा, राइट? क्या होगा 1 बाय वी, यू क्या है माइनस टू एफ, माइनस 1 बाय टू एफ इज इक्वल्स टू एफ क्या है माइनस एफ, माइनस एफ, राइट? तो क्या आएगा 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 1 बाय टू एफ माइनस 1 बाय, जो क्या आएगा आपको माइनस 1 बाय टू एफ। तो इमेज डिस्टेंस भी क्या आ गया माइनस टू एफ। इसके बाद आप मैग्निफिकेशन करोगे वो भी क्या आएगा माइनस 1। तो यहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज मिली कि इमेज इज फॉर्म एट सेंटर, जहां पे ऑब्जेक्ट है वही पे इमेज बन गया, देखो राइट, सेम साइज लेफ्ट साइड है तो क्या होगा सबसे पहले रियल इमेज तो होगा, और मैग्निफिकेशन 1 है तो साइज तो सेम है उसका, लेकिन क्या होगा इन्वर्टेड इमेज होगा, सेम साइज का इन्वर्टेड इमेज, ठीक है? देखो सेंटर पे प्लेस किया तो हो गया इजीली। अभी सेंटर और फोकस के बीच में राइट, माइनस टू एफ और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस करो आप, तब क्या होगा इन दोनों के बीच में बताओ। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में आएगी, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में बड़ी होगी कि छोटी होगी बताओ अभी सर? अभी बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के मैग्निफिकेशन का जो मॉड है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, करेक्ट? और इमेज क्या है रियली अभी भी, क्योंकि कौन सी साइड बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर। ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, माइनस टू एफ टू माइनस एफ के बीच में मैंने रखा। तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू सेंटर। कैसी इमेज होगी, रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड, जिसमें मॉड एफ क्या होगा ग्रेटर देन। लास्ट वाला केस को अपन थोड़ा एनालाइज करेंगे, और फोकस और पोल के बीच में जब होगा तब देखो, ये नोट कर लो पहले। तो If object is placed between focus and pole, यहाँ पे सपोज फोकस है आपका और इधर पोल है, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो क्या होगा बताओ? ऐसा ऑब्जेक्ट
कॉनकेव है, ठीक है, ये सब कॉनकेव के लिए देख रहे हैं हम, राइट। ये रे कहां से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस, करेक्ट। और दूसरी कौन सी रे होगी, ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो अगर रिफ्लेक्टेड रेस को आप एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो इसका जो इमेज है वो कौन सी साइड बन रहा है, अब राइट साइड, राइट। यहां पे अभी इमेज फॉर्म होगा इसका, तो कौन सा इमेज होता है वो बताओ, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज होगा सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद कहां पे बनेगा बताओ, बनेगा किधर, पोल टू इन्फिनिटी, राइट, पोल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी में कहीं पे भी बनेगा, यहां से यहां तक। और हमेशा कौन सी इमेज होगी, मैग्निफाइड, जिसमें मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन वन, ठीक है। एग्जैक्ट अगर आप फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरली एट फोकस, अब मैं फोकस में प्लेस करता हूं ना, तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है, कॉनकेव मिरर बिहेव लाइक प्लेन मिरर। कैसे, देखो अभी प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे क्या होता है, इमेज बनता है, करेक्ट। तो यहां पे उन्होंने बोला कि फोकस के आजू बाजू आपने ऑब्जेक्ट रखा, सपोज फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, तो मेरा इमेज ये डिस्टेंस एफ है, तो एफ डिस्टेंस पे मेरा इमेज बनता है इधर, राइट, वर्चुअल इमेज। इनका बोलने का मतलब क्या है कि जैसे प्लेन मिरर में होता है ना, वैसे हो रहा है कॉनकेव मिरर में, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखता हूं, ठीक है। इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो, यहां पे u क्या हो जाएगा आपका, माइनस f, तो आप डालो फॉर्मूला में, वन बाय v प्लस वन बाय माइनस f इक्वल्स टू वन बाय, राइट। एग्जैक्ट उस पर रखोगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट इमेज कहां पे बन रहा है, देखो वन बाय वी इक्वल्स टू जीरो, तो इमेज होता है इंफिनिटी पे, लेकिन यहां पे मैंने क्या बोला, नियरली एट फोकस, जस्ट आजू बाजू में रखोगे तब क्या होगा, प्लेन मिरर जैसे बिहेव करेगा, जस्ट जस्ट लाइक प्लेन मिरर। एग्जैक्ट फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां पे बन रहा है, इंफिनिटी पे, लेकिन नियरली फोकस रखोगे तो आपका जितना वी है उतना ही यू आएगा पॉजिटिव में, जितना यू है उतना ही वी आएगा पॉजिटिव में। एग्जांपल ले लो, सपोज आपका फोकस है माइनस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपने क्या किया, अभी यू जो है वो 19.9 सेंटीमीटर लिया माइनस में,
तो जस्ट नियरली फोकस पे रखा है उसको, देखो जस्ट नियरली फोकस। तो यहां पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको v आता है अराउंड 20.1 प्लस में, ठीक है देख लो, नोट कर लो आप। अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो इस टाइप से आता है, ग्राफ देखना एक बार। वी वाई एक्सिस में ले लो और यू एक्स एक्सिस में ले लो। अब मैं पूरा निगेटिव निगेटिव में देख रहा था, राइट, टू एफ इधर है पूरा माइनस इनफाइनाइट, फिर टू एफ और एफ के बीच में। एग्जैक्ट एफ पे क्या हो रहा है बताओ, एग्जैक्ट एफ पे क्या हो रहा है, इमेज डिस्टेंस क्या हो गया एग्जैक्ट एफ पे, इनफाइनाइट। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो ना तो ऐसे होता है, एग्जैक्ट एफ पे ना डिसकंटिन्यूटी होती है, बाकी इस टाइप ऐसे। और यहां पे देखोगे तो माइनस है, माइनस टू एफ, देखो माइनस टू एफ पे माइनस टू एफ ही आ रहा है, यू और वी करेक्ट। माइनस एफ पे क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इस टाइप का ग्राफ बस यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा, जब ऑब्जेक्ट इज एट फोकस तो इमेज जो बनता है कहाँ पे बनता है, इंफिनिटी पे, अदरवाइज इमेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये ग्राफ देख लो, समझ लो एक बार, यहाँ पे देख लो आप कि जब मेरा यू माइनस टू एफ था मतलब सेंटर पे था तो वी भी कितना आया, माइनस टू एफ करेक्ट। जब फोकस और पोल के बीच में आप रखोगे तब मेरा इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट तो मैं निगेटिव में रख रहा हूं। जब मेरा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इनफाइनाइट टू एफ के बीच में तब मेरे को छोटी इमेज मिल रही है, वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज है राइट, जो कि निगेटिव में बन रही है। देखो ये तो कहानी हो गई किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, प्रॉपर हो गया, नोट हो गया बताओ। ठीक है, अब पूरा एनालिसिस हमें अभी कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी करना है, सेम एनालिसिस। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में भी फॉर्मूला तो वही है, मिरर फॉर्मूला ही है, लेकिन अभी यहां पे होगा क्या ये तो आप मेरे को बताओ। अभी फोकस क्या है मेरा, ऑलवेज पॉजिटिव है, यहाँ पे फोकस, सेंटर भी किधर है, यहाँ पे, इसको आप एफ ले लो, इसको आप टू एफ ले लो। अच्छा स्क्रोल अप करते हैं, ग्राफ को समझ के बनाना ठीक है, क्या पे क्या हो रहा है। जैसे फोकस पे आओगे तो अचानक से इनफाइनाइट हो गया वी,
माइनस टू एफ से जब आते हो सेंटर से जब फोकस पे आओगे तो निगेटिव इनफाइनाइट है, और पोल से जब फोकस पे आओगे तो पॉजिटिव इनफाइनाइट है। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव इनफाइनाइट निगेटिव इनफाइनाइट। चलो यहाँ पे आ जाओ कॉन्वेक्स में, अभी फोकस और सेंटर मेरा राइट साइड में है, ठीक है। तो U को क्या लूंगा मैं, नेगेटिव, फोकस क्या होगा मेरा पॉजिटिव। राइट, अभी रियल ऑब्जेक्ट ये क्या होगा, U अगर नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट। अब मैं U को कहीं पे भी रखता हूं, माइनस इंफिनिटी टू पोल, राइट, कहां पे रखूंगा पता नहीं। तो बताओ V क्या होगा हमारा, ऑलवेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू पोल। तो पहले तो इमेज मेरा राइट साइड में बनेगा, राइट साइड में मतलब V क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव, तो राइट साइड में बन रहा है मतलब वर्चुअल इमेज। तो यहां से आपको पता चलेगा जब भी मेरा ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज क्या हो रहा है वर्चुअल है, कौन सी केस में, कॉन्वेक्स मिरर वाले केस में, ठीक है। Always positive. For real object, image is always virtual. इतना ही है, देखो और अभी यहां पे inverted होगा कि erect image होगा बताओ, size क्या होगा, क्या कैसे होगा। यहां पे होता है आपका इरेट, मतलब अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा इधर कहीं पर, लेकिन साइज क्या हो जाएगी उसकी, स्मॉल स्मॉल साइज। यहां पे आप लिख सकते हो कि मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन वन। एक ही केस आता है फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ओनली वन केस इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू पोल which is real object and image is formed by that convex mirror is virtual image. पहले इसको नोट कर। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का है जहां पे हम मिरर को काट रहे हैं। देखो इस केस में क्या होगा, जैसे इनिशियली मेरा ये कॉनकेव मिरर था, मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे इतने पार्ट को हटा दिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो यहां पे कहीं तो भी है, ले लो क्वेश्चन टाइप का ही ले लो, फोकस है इसका सपोज 20 सेंटीमीटर विच इज माइनस 20,
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल था 60 सेंटीमीटर। तो अभी क्या होगा यहाँ पे बताओ आप, दो मिरर हो गए, ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट अलग हो गया। अगर मैं इसको फिर से डायग्राम में बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ऐसा एक पार्ट आएगा और ऐसा एक पार्ट आएगा। तो पहले तो बताओ दो मिरर की वजह से इमेजेस कितनी बनेगी, अब इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेगी बोलो, दो दो मिरर है ना, दो मिरर हो गए यहाँ पे, एक के दो हो गए। अगर मेरा सिंपल एक ही मिरर रहता जब हम कट नहीं करते उसको, तब एक ही इमेज बनती है यहाँ पे। लेकिन अभी क्या हो गया, मिरर के हमने दो पार्ट किए अलग अलग, तो उसके रिस्पेक्ट में दो मिरर की दो अलग इमेज आएगी। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस फॉर्म बाय दिस टू मिरर, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस फॉर्म बाय दिस मिरर्स। तो एक एक मिरर को कंसिडर करते हैं इस केस में। देखो जैसे ऑब्जेक्ट यहां पे, राइट, ऊपर वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का हाइट कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, राइट, -1 सेंटीमीटर ले लो अगर आपको उसमें देखना है तो। सिमिलरली नीचे वाले मिरर के लिए हाइट क्या हो गया बताओ, वो भी 1 सेंटीमीटर हो गया, करेक्ट। तो उसके रिस्पेक्ट अभी आप कैलकुलेट करो इमेज कहां पे बनेगा, M1 का और M2 का, करो ट्राई करो। M1 का पहले इमेज बनाओ, कहां पे बनता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, सबसे पहले 60 सेंटीमीटर, राइट, फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v कितना है, 1/v + 1/u कितना है, -60 = 1/-20। इसको सॉल्व करोगे तो आपको v आएगा, कितना आएगा बताओ, कितना आ रहा है v, कितना आ रहा है भी? अरे करो 1/60 - 1/20, 3 - 2/60, 3 - 1/60, सॉरी -60, तो क्या होगा 2/60 होगा, तो -30 आएगा, आएगा तो मेरे को इतना तो पता है कि दोनों जो इमेज बनेगी वो कहां पे बन रही है, -30 पे फ्रॉम द पोल, राइट, दोनों जो इमेज है वो -30 पे बन रही है। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए अभी इस मिरर के रिस्पेक्ट क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करो, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो, मैग्निफिकेशन इज -v/u, तो -30 - -60, ये आपको आएगा 1/2। तो ऊपर वाले मिरर पे आ जाओ, ऊपर वाला जो मिरर है उस पे आ जाओ, ऊपर वाले मिरर के रिस्पेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा क्या है, नीचे, राइट, 1 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन को क्या लिखेंगे हम, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -1/2। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, माइनस वन इंटू माइनस वन, तो आप देखो 0.5 सेंटीमीटर इमेज बनेगा इतनी हाइट पे, तो इसके रिस्पेक्ट कितना ऊपर उठाओ मैं इसको बताओ, 0.5 सेंटीमीटर, यहां पे आपका बनेगा इमेज नंबर वन बिकॉज ऑफ एम वन, करेक्ट। सिमिलरली बताओ एम टू के लिए कहां पे बनेगा, वही फॉर्मूला, लेकिन एम टू के लिए आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अब, प्लस वन, तो एम टू के रिस्पेक्ट जो आपका इमेज बनेगा वो नीचे की डायरेक्शन में बनेगा कितने डिस्टेंस पे, 0.5 सेंटीमीटर, ये आएगा आपका आई टू। देखो इसका अगर मैं फिर से डायग्राम बनाऊं तो ऐसे कुछ आएगा, यहां पे v इक्वल्स टू 30 पे दोनों बने इमेज, एक बना ऊपर 0.5 पे आई वन, एक बना इसके रिस्पेक्ट नीचे 0.5 पे आई टू, तो बताओ इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 0.5 0.5 और ये टोटल कितना है 2 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। देखो इसको सही से नोट करो, क्या किया यहां पे, पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या था, निगेटिव में था ऑब्जेक्ट का हाइट, दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का हाइट क्या था, पॉजिटिव, उसके रिस्पेक्ट हमने मैग्निफिकेशन के रिस्पेक्ट फिर इमेज का वर्टिकल डिस्टेंस निकाला, मतलब इमेज का हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट इमेज का हाइट 0.5 आया, यहां से 0.5 लिया, ठीक है, ये वाले एक्सिस से, और नीचे भी जाओगे तो ये वाले एक्सिस से 0.5, बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, दो इमेज कैसे बन रहे हैं और कहाँ पे बन रहे हैं, अच्छे से पता चला, इस पे क्वेश्चन और करना पड़ेगा आपको तो अच्छे से पता चल रहा है। पॉइंट फाइव ऊपर दो नीचे और 0.5 नीचे ना, वन कहां से आया बताओ प्रणव, वन प्लस वन तो ऑलरेडी मैंने ले लिया ना वहां पे, 0.5 ऊपर 0.5 नीचे और वन प्लस वन इज टू, ठीक है, हो गया क्या बताओ,
ठीक है, सेम क्वेश्चन ट्राई करो अभी। अभी मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे कट कर दिया, ठीक है, इतना पार्ट। इस मिरर का फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट है वो -60 सेंटीमीटर पे ही है सपोज, ठीक है। तो यहां पे आपको कैलकुलेट करना है सेम डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस। M1 मिरर ले लो, इसको M2 ले लो, चलो ट्राई करो। इतना आया बताओ, -5.2 सेंटीमीटर, ठीक है, देखते हैं। जैसे यहां पे अभी v कितना होगा, 1/v, बताओ, वैसे ही बताओ, -1/60 = -1/15, तो 1/v हो जाएगा आपका 60 15 4 -1 3 3/60, तो -1/20 सही है, 16/3 है क्या, -1/20 ना, v इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर आएगा,
अभी वी तो आ गया मेरे को, उसके बाद क्या करेंगे बताओ? मैग्निफिकेशन, इतना मैग्निफिकेशन है, यू तो 60 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -1/3। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितने फॉर मिरर M1, जैसे M1 के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा राइट, तो जो 20 सेंटीमीटर पे आपका इमेज बनेगा यहाँ पे, तो उसकी हाइट क्या होगी इसके रिस्पेक्ट, 1/3 टाइम्स बढ़ जाएगी। जैसे अभी हाइट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, M into 2, विच इज -2/3। 2/3 कितना होता है बताओ, 0.66 राइट। अब ये 0.66 ऊपर की तरफ है M1 के लिए, 0.66, सिमिलरली M2 के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0.66, तो ऐड करो 4 प्लस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 प्लस 0.66 प्लस 0.66, ये कितना है, फाइव पॉइंट थ्री। सही है, सही है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, इजी है। अभी अपन देखते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो आपने देखा होगा कि प्लेन मिरर में भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स आया था, अभी यहां पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स आएगा, लेकिन कॉनकेव प्लस प्लेन, कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स, कॉनकेव प्लस कॉनकेव, ऐसे कॉम्बिनेशन आएगा मिरर का, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है, देखो इसको सही से। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, सपोज एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, इधर एक मिरर है M1 जो कि प्लेन मिरर है, और राइट साइड में आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस है -20 M2। अभी ऑब्जेक्ट जो है वो हमने यहां से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, जिसका हाइट है 2 सेंटीमीटर ए बी। राइट, और दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस है आपका 100 सेंटीमीटर। तो यहां पे मेरे को बताओ इमेज कहां पे फॉर्म होगा, दोनों रिफ्लेक्शन कंसिडर करो राइट, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम M2 कर लो या फिर M1 कर लो, ठीक है, फ्रॉम M2 आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। इसमें ना हमें क्या करना पड़ता है, दो केसेस कंसिडर करने पड़ते हैं। कैसे, आइदर आप M1 पे पहला रिफ्लेक्शन कर दो या फिर M2 पे, तो दोनों केस में आना तो सेम चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे केस 1 कंसिडर कर रहा हूं मैं, पहला रिफ्लेक्शन लेके जाओ M1 पे, तो बताओ M1 पे पहला रिफ्लेक्शन आएगा
तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी बताओ, यहां पे 50 सेंटीमीटर बैक ऐसे होगा इमेज, ए डैश बी डैश, केस वन वाला केस है ठीक है। अभी वो इमेज क्या हो जाएगा, M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा करेक्ट, ये M2 है जिसका फोकस है आपका माइनस 20 सेंटीमीटर। अभी ऑब्जेक्ट कहां पे हो गया मेरा बताओ, कितने डिस्टेंस पे अभी, 150 सेंटीमीटर, 100 प्लस 50 ए डैश बी डैश, जिसका हाइट कितना अभी भी 2 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर कुछ करता है क्या हाइट को, नहीं करता। देखो जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज बना, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट M2 के लिए, ये केस वन। तो अभी सिंपल है, U कितना आया आपको बताओ, माइनस 150, V आपको कैलकुलेट करना है, फोकस इज माइनस 20। तो यहां से फाइनल जो इमेज है फ्रॉम M2, यहाँ पे अपना पोल है ठीक है, तो M2 के रिस्पेक्ट कितने डिस्टेंस पे बनेगी बताओ, 1 बाय V माइनस 1 बाय 50 इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 20, क्या आ रहा है, 1 बाय V इज इक्वल्स टू 1 बाय 150 माइनस 1 बाय 20, कितना आई है, कितना आ रहा है बताओ, V आएगा आपको 1 बाय V आएगा 13 बाय 300 राइट, 1 बाय V आएगा 13 माइनस 13 बाय 300 ठीक है। तो वैसे देखोगे तो V कितना हो गया फिर 300 बाय फ्रॉम M2, M2 से डिस्टेंस मैंने देखा ऑब्जेक्ट का। अभी केस टू क्या होगा, ये तो केस वन इजी है, केस टू में क्या होगा बताओ, पहला जो रिफ्लेक्शन है ना वो कहां से आएगा, M2 से। अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा कितना, 50 सेंटीमीटर केस टू में, फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय M2। पहले आप M2 से इमेज बना लो, फिर जो इमेज होगी वो आपके प्लेन मिरर के लिए क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बताओ इमेज कहां पे बनेगी, U अभी आपका कितना है माइनस 50, F कितना है माइनस 20, तो 1 बाय V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 50 माइनस 1 बाय 20, जो कि आएगा आपको 3 माइनस 3 बाय 100, मतलब V आएगा 100 बाय 3 फ्रॉम M2 ठीक है। आपने देखा होगा M2 से कितने डिस्टेंस पे बन रहा है इमेज मेरा, 100 बाय 3 ये डिस्टेंस है I1। अभी टोटल डिस्टेंस है 100, तो बताओ जो मिरर 1 है उसके लिए I1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100 बाय 3 राइट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जो आपका I1 है वो कितने डिस्टेंस पे है बताओ, 100 माइनस 100 बाय 3, तो इमेज भी कहां पे बनेगा बताओ, इमेज भी बनेगा फाइनल इमेज आपका I2 100 माइनस 100 बाय 3। तो अब मेरे को बताओ M2, M2 से आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो, M2 यहां से ये डिस्टेंस टोटल कितना होगा I2 का फ्रॉम M2 बताओ, ये 100 माइनस 100 बाय 3 प्लस
100 माइनस 100 बाय 3, और ये भी कितना है 100 बाय 3, राइट। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 100 बाय 3 प्लस 100 माइनस 100 बाय 3 प्लस 100 बाय 3, ये तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 200 माइनस 100 बाय 3 कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है M2C डिस्टेंस, दोनों केसेस में आपका क्या आएगा एट सेम पॉइंट। आप आइदर M1 से पहला रिफ्लेक्शन ले लो या फिर M2 से पहले रिफ्लेक्शन, दोनों केसेस में देखो आप क्या हो रहा है, कितना फाइनल इमेज कहां पे बन गया। बस पहला जो रिफ्लेक्शन लिया उसका जो इमेज बनेगा M1 से लिया सपोज, तो वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर M2 के रिस्पेक्ट आपने पहला इमेज निकाला तो M1 के लिए प्लेन मिरर के लिए वो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो बस दो बार रिफ्लेक्शन करना है आपको, बस देखो कर लो इसको, अच्छे से नोट कर लो। किसी को डाउट है तो बताओ, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हो गया क्या नोट बताओ, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं फिर बहुत सारे। देखो क्या क्वेश्चन है सर, थोड़ा ऊपर ठीक। दो कॉनकेव मिरर है अभी, उनको ऐसे रखा, और जो ऑब्जेक्ट है ना वो मिड पॉइंट पे कॉनकेव मिरर से,
सपोज इसका पोल है पी वन, इसका पोल है पी टू, तो बोला ओ इज मिड पॉइंट ऑफ पी वन पी टू, दोनों का फोकस सेम है 20 सेंटीमीटर, इसका भी 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है, आपको पी वन पी टू वाले डिस्टेंस मतलब डी कैलकुलेट करना है। फाइंड डी सच दैट ऑल images form at O point, सारी जो images है वो मेरे को O पे चाहिए, ठीक है, first reflection, second reflection, जितने भी reflection होंगे मेरे को O पे images चाहिए सारे के सारे। तो मैं दोनों concave mirror के बीच में distance कितना रखूंगा बताओ, सिंपल है अगर आप एनालाइज करो सही से। तो ऑब्जेक्ट पे इमेज कब बनता है कॉनकेव मिरर का बताओ, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट किधर रखा होगा बताओ, सेंटर पे, राइट। तो सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है, अगर फोकस मेरा 20 है तो सेंटर कितना होगा 40, तो मैं P2 से कितने डिस्टेंस पे रखूंगा 40 सेंटीमीटर, सेंटर पे रखा मैंने, तो सेंटर पे रखूंगा तो इमेज कहां पे बनेगा, यहीं पे बनेगा। सिमिलरली अगर यहां से आपको P2 से रिफ्लेक्शन देखना, P1 से रिफ्लेक्शन देखना, तो सिमिलरली ये भी कॉनकेव मिरर है, इसका भी फोकस 20 सेंटीमीटर है, तो इसके भी अगर मैं सेंटर पे रखता हूं ऑब्जेक्ट को, इसका सेंटर लेकिन राइट साइड होगा 40 प्लस 40, तो इसका भी इमेज कहां पे बनेगा यहीं पे। तो कितने भी रिफ्लेक्शन कर लो आप, राइट, कितने भी रिफ्लेक्शन कर लो, हमारा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के ही बनेगा ऑलवेज, ऐसे जाएगा ऐसे ही वापस आएगा, रे ऐसे जाएगा। तो डी कितना होना चाहिए फिर बताओ, 40 प्लस 40, समझ में आया क्वेश्चन, डी कितना होना चाहिए, 80 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कॉनकेव मिरर के सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखता हूं तो इमेज भी सेंटर पे ही बनता है, वो हमने ऊपर देखा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ट्राई करो, ऐसे मिरर है, ये दो मिरर के बीच में गैप है, ठीक है, इधर है कॉन्वेक्स मिरर,
आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर से 60 सेंटीमीटर पे, इसका फोकस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो अभी क्वेश्चन ये है कि वेयर शुड वी कीप प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कहां पे रखेंगे, वेयर शुड वी कीप प्लेन मिरर सो दैट बोथ इमेजेस या फिर बोथ मिरर कैन फॉर्म इमेज एट सेम पॉइंट, तो प्लेन मिरर को कहां पे रखूं मैं, सो दैट दोनों का, एक का इमेज क्या होगा, सपोज ये डिस्टेंस है x, x में वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और इस गैप में से भी तो एक रे जाएगा, करेक्ट, जो भी कैसे रिफ्लेक्ट होगा बताओ, इधर रिफ्लेक्ट होगा, तो इसका जो इमेज है प्लेन मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का वो एक ही पॉइंट पे बनना चाहिए आई पे, तो देखो अगर ये मेरा x है तो ये भी कितना होना चाहिए x, क्योंकि प्लेन मिरर है, कितना आएगा आंसर बताओ, x का वैल्यू ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस x, कोई नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में आ जाओ, कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकस क्या है प्लस 20, यू कितना है माइनस 60, तो वी कितना होना चाहिए, वी मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए बताओ, जैसे मिरर से वहां तक डिस्टेंस है टोटल एक्स और ये कितना है 60 माइनस एक्स, तो ये कितना होगा, टोटल है एक्स माइनस 60 माइनस एक्स, तो आपका v जो है वो जाएगा 60 माइनस 2x, u भी पता है, v भी पता है, f भी पता है, तो फॉर्मूला लगाओ अपना मिरर फॉर्मूला, 1 बाय v 1 बाय u इक्वल्स टू, डायरेक्टली आपको x की वैल्यू आ जाएगी 1 by 60 minus 2x plus 1 by minus 60 equals to 1 by 20. कितना आ रहा है बताओ? One by 60 plus 3, 4, 4 by 60, मतलब 1 by 15. तो 60 minus 2x आया आपको 15, राइट, 2x हो जाएगा 45, x आएगा आपको 45 आएगा, यहाँ पे क्या किया हमने फिर से एक बार देख लो, कि हमने कंसीडर किया कि ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस पे, तो जो प्लेन मिरर है वो कहाँ पे इमेज बनाएगा, x डिस्टेंस पे बनाएगा राइट साइड में, और उसने बोला कि दोनों का इमेज एट सेम पॉइंट होना चाहिए, तो जो कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाएगा वो भी कितने डिस्टेंस पे बनाएगा, x माइनस 60 माइनस x उतने डिस्टेंस पे,
यहाँ पे बस पोल के रिस्पेक्ट ले लो डिस्टेंस, जैसे एम वन और एम टू, एम वन के रिस्पेक्ट x डिस्टेंस है, एम टू के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा, x माइनस 60 माइनस x, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 60 माइनस x है, ये टोटल क्या है 60, 60 में से आपने x माइनस किया तो डिस्टेंस कितना है 60 माइनस x, राइट, और ये वो पूरा टोटल है x, तो x में से फिर से 60 माइनस x माइनस कर दो तो आपको आएगा v, जो कि क्या है पॉजिटिव। देखो नोट कर लो इसको सही से, अच्छा क्वेश्चन है। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन ले लो आप होमवर्क के लिए, फिर आपको और बता दो होमवर्क क्या करना है अभी। ऑब्जेक्ट जो है माइनस 20.0 पे, सपोज यहां पे मिरर अभी इंक्लाइंड है, ये एंगल है 37 डिग्री, प्लेन मिरर है इधर, और ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, राइट, इसको ले लो वाई एक्सिस, और अभी वाई एक्सिस पे मैंने रखा है कॉनकेव मिरर, इसके पोल के कोऑर्डिनेट्स है 0.100, इधर ऑब्जेक्ट, ये दो मिरर्स हो गए, इसका फोकस फोकल लेंथ भी दिया है विच इज 40 सेंटीमीटर, तो यहां पे मेरे को कैलकुलेट करना है इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस क्या होंगे,
ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, और आपको अभी एचसीवी स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है? तो आप एचसीवी का क्या करो, रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट कर दो, उसमें से एक्सरसाइज वन में सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है, और एक्सरसाइज टू में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट स्टार्ट कर दो। इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, प्लेन और स्फेरिकल मिरर वाले, मतलब दोनों मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, कर लिया नोट कर लिया क्वेश्चन होमवर्क वाला? ये अच्छा क्वेश्चन, इसको ट्राई करो अगर आता है आपको तो, ठीक है? बाकी एचसीवी स्टार्ट कर देना, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, दोनों एक्सरसाइज। अपन इसको प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करेंगे, फिर किसी को कुछ डाउट होगा तो। चलो ठीक है, फिर लीव कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू, बाय सर।